वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी आपका राइटी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 आई विल बी दैट एक्टिविटी 1 रिसाइट आफ्टर योर टीचर, टीचर के बाद दोहराओ। आई टोल्ड देम व्हेन आई ग्रो अप आई एम नॉट गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट और समवन हु रीड्स द न्यूज ऑन टीवी। नो आई वॉन्ट टू बी फ्री आई एम गोइंग टू बी अ ट्री। दे सेड यू कांट। नो यू कांट बी दैट। अब इसका मीनिंग समझाऊंगी। आई टोल्ड देम यानी मैंने उनसे कहा, व्हेन आई ग्रो अप जब मैं बड़ा होऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट मैं वैज्ञानिक नहीं बनूंगा, और समवन हु रीड्स द न्यूज ऑन टीवी और जो टीवी पर न्यूज पढ़ते हैं वो भी नहीं। नो आई वॉन्ट टू बी फ्री मैं मुक्त होना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू बी अ ट्री मैं एक वृक्ष बनूंगा। दे शेड उन्होंने कहा, यू कांट। नो यू कांट बी दैट नहीं तुम नहीं बन सकते। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं। आई टोल्ड देम व्हेन आई ग्रो अप आई एम नॉट गोइंग टू बी एन एयरलाइन पायलट और आंसर अ लॉयर और अ डॉक्टर। नो ह्यूज वेल्स विल स्विम इन मी आई एम गोइंग टू बी द ओशियन। दे शेड यू कांट बी दैट। नो यू कांट बी दैट। आई टोल्ड देम यानी मैंने उनसे कहा, व्हेन आई ग्रो अप जब मैं बड़ा होऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी एन एयरलाइन पायलट मैं हवाई जहाज चलाने वाला नहीं बनूंगा, और डांसर अ लॉयर और अ डॉक्टर, और नर्तक यानी नाचने वाला, और वकील और डॉक्टर भी नहीं बनूंगा। ह्यूज वेल्स विल स्विम इन मी बड़ी बड़ी वेल्स मेरे अंदर तैरेगी। आई एम गोइंग टू बी द ओशियन मैं महासागर बनूंगा। दे शेड यू कांट बी दैट। नो यू कांट बी दैट। उन्होंने कहा, नहीं तुम यह नहीं बन सकते। अब नेक्स्ट आंसर। आई टोल्ड देम आई एम नॉट गोइंग टू बी अ डीजे अ कंप्यूटर प्रोग्रामर अ म्यूजिशियन और अ ब्यूटिशियन। नो स्ट्रीम्स विल फ्लो थ्रू मी आई विल बी द होम ऑफ ईगल्स आई विल बी फुल ऑफ वैलीज एंड फाउंटेन्स आई एम गोइंग टू बी अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। दे शेड यू कांट बी दैट। नो यू कांट बी दैट। अब इसका मीनिंग देखते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं डीजे बजाने वाला नहीं बनूंगा, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर भी नहीं बनूंगा, मैं संगीतकार भी नहीं बनूंगा और म्यूजिशियन भी नहीं बनूंगा। स्ट्रीम्स विल फ्लो थ्रू मी यानी मुझ में से झरना बहेगी। आई विल बी द होम ऑफ ईगल्स मैं गरुड़ का घर बनूंगा। आई विल बी फुल ऑफ वैलीज एंड फाउंटेन्स मैं घाटियों और फुव्वारा से भरा रहूंगा। आई एम गोइंग टू बी अ रेंज ऑफ माउंटेन्स मैं पर्वतमाला बनूंगा। दे शेड यू कांट बी दैट। नो यू कांट बी दैट। उन्होंने कहा, तुम नहीं बन सकते, तुम ये नहीं बन सकते। आई आस्क्ड देम जस्ट व्हाट डू यू थिंक आई एम जस्ट अ चाइल्ड। दे सेड एंड चिल्ड्रन ऑलवेज बिकम एटलीस्ट वन ऑफ थिंग्स वी वॉन्ट देम टू बी। आई आस्क्ड देम मैंने उनसे पूछा, जस्ट व्हाट डू यू थिंक आई एम मैं क्या बनूँ आप क्या सोचते हो। जस्ट अ चाइल्ड दे सेड बस एक बच्चा उन्होंने कहा, एंड चिल्ड्रन ऑलवेज बिकम एटलीस्ट वन ऑफ थिंग्स वी वॉन्ट देम टू बी और बच्चा वही बनता है जो हम चाहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो इसे लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस इंग्लिश सब्जेक्ट का एक्सरसाइज भी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।